29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की अहम बैठक होने वाली है। उसके पहले शाम 4 बजे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया से जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा जी हैं। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की परिषद की बैठक होती है, ये एक पार्टी के लिए एक साल में आम प्रक्रिया है, लेकिन कई तरह के इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बहुत सारे चीज़ों पर फैसला होना है, मसलन अध्यक्ष को लेकर अटकलें हैं, एनडीए को लेकर अटकलें हैं। देखिए, कोई अटकल नहीं है, ये सामान्य सी बात है और सामान्य प्रक्रिया है। सभी राजनीतिक दल इस तरह की बैठक साल में एक बार करते हैं और उसी एक तरह से कह लें ये रूटीन बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक कल निश्चित है, तिथि निश्चित है और कल बैठक है और ये जो उसी प्रक्रिया में कल की यह बैठक रखी गई है। विशेष और जो विशेष इसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कुछ नया होना है। नहीं संतोष जी, लोग सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो नींव रखी थी पटना में रखी गई थी, नीतीश कुमार रखे थे, चौथी बैठक हुई जब दिल्ली में तो कयास लगाया गया कि संयोजक पद को लेकर नीतीश कुमार चाहते थे, उनका नाम नहीं आया और वो नाराज हो गए, सांसदों की बैठक बुलाई और उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो गई कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार की लाइन क्या होगी, क्या वो एनडीए के मुकाबले ज़्यादा इंडिया के खिलाफ मुखर होंगे या फिर जो इस तरीके की अटकलें हैं वो तो बतौर सांसद लग रहा है कि जो मौजूदा गठबंधन है उसका जो गणित है वो एनडीए के मुकाबले ज़्यादा फिट है चुनाव लड़ने। फिट है, हम लोग सभी लोग महागठबंधन जब बना है और माननीय नेता नीतीश कुमार जी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए एक एक लोगों से देश में जाके मिले हैं और गठबंधन हमारा मजबूत है और इसलिए गठबंधन इस तरह की कोई बात नहीं है जो गठबंधन में कोई बात है। और नीतीश कुमार जी पहले से कह रहे हैं कि हमारी कोई लालसा भी नहीं है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों या संयोजक हों, हम उनका एक ही लक्ष्य था कि सभी जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, जो विरोधी दल को एक जगह इकट्ठा करना, इस उद्देश्य में इस काम में नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से सफलता हासिल की है। देश भर के विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम उन्होंने किया और महागठबंधन में आने वाले निकट समय में सब चीज़ें सीट शेयरिंग से लेकर सभी बातें हमारे हम लोगों के जो शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय कर लेंगे। आखिरी सवाल है कि जब पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में उतरेंगे तो ज़्यादा कंफर्ट, क्योंकि एनडीए के साथ भी आप चुनाव लड़े हैं, अब महागठबंधन के साथ चुनाव, तो ज़्यादा जो कंफर्ट फार्मूला है जीत का वो एनडीए के साथ है लगता है या फिर महागठबंधन के साथ? देखिए, हम तो नीतीश कुमार में कंफर्ट, नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हमारे आदर्श हैं, मैं उसी में कंफर्ट हूँ। तो संतोष कुशवाहा हैं और एनडीए क्या ज़्यादा कंफर्टेबल है मुकाबले इंडिया या इंडिया कंफर्टेबल है, इस सवाल का जवाब कोई भी नेता देने से बच रहे हैं क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। कैमरामैन सुनील किशोर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।